सो वेरी गुड मॉर्निंग बेटा, वी आर गोइंग टू डिस्कस द रूल्स फॉर आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर फॉर ब्रांच्ड चेन एल्केन्स। हम लोग चैप्टर नंबर 12 कर रहे हैं आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स, और इसमें हम लोग नॉमेनक्लेचर स्टडी कर रहे हैं अब, ठीक है। तो टुडे जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो है रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर। टर्म बाय टर्म करेंगे हम लोग, सबसे पहले एल्केन्स के लिए करेंगे, दैट इज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के लिए, सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड जो आपके होते हैं कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली, एल्केन्स। सो आप लिख सकते हैं रूल्स फॉर आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर, आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर, और इसमें हम लोग सबसे पहले जो डिस्कस कर रहे हैं वो है फोर ब्रांच्ड चेन एल्केन्स। ब्रांच्ड चेन एल्केन्स स्टेट चेन के लिए मैंने आपको बोला था, सिंपली हम लोगों ने डिस्कस किया था स्टेट चेन के केस में सिंपल नेमिंग रहती है डिपेंडिंग अपॉन द वर्ड रूट एंड जो आपका सुफिक्स एन लगता है, और कॉमन नेम के केस में हम स्टेट चेन के लिए एन वर्ड का यूज करते हैं, जैसे एन प्रोपेन, एन ब्यूटेन, एन पेंटेन, ऐसे करके। आज हम लोग डिस्कस करेंगे सम स्पेशल टाइप ऑफ दिस कंपाउंड, दैट इज ब्रांच चेन एल्केन्स के लिए नॉमेनक्लेचर के रूल्स क्या होते हैं। देन वेरी फर्स्ट रूल, सबसे पहले आपके पास लॉन्गेस्ट चेन रूल, अब बेटू लॉन्गेस्ट चेन रूल के अकॉर्डिंगली क्या है कि आपका जो गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसको पहले आपने लैबोरेटेड फॉर्म में लिखना है, दैट इज उसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखना है, उसके बाद सेलेक्ट करनी है लॉन्गेस्ट पॉसिबल कॉन्टिन्यूस चेन ऑफ कार्बन एटम्स। हमने पूरे कंपाउंड में से ऑल पॉसिबिलिटीज लेनी है पॉसिबल लॉन्गेस्ट स्ट्रेट चेन की, स्ट्रेट हो या जिग जैग में हो जैसे मर्जी है वो नहीं मैटर करती चीज, लेकिन ये है कि कॉन्टिन्यूस होनी चाहिए, मतलब जो कार्बन आइटम आपने एक बार काउंट कर लिया वो दोबारा काउंटिंग नहीं होनी चाहिए उस चीज की। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास ये कंपाउंड है CH3 CH2 CH, यहां पे एक आपके पास CH3 ग्रुप लगा है, देन CH2 CH2 CH3, ये आपके पास एक कंपाउंड है, ठीक है जी। अब रूल क्या बोलता है, वेरी फर्स्ट रूल लॉन्गेस्ट चेन रूल है, लॉन्गेस्ट चेन रूल के अकॉर्डिंगली सिलेक्ट द पॉसिबल लॉन्गेस्ट चेन, मींस दैट कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, बट ये है कि कॉन्टिन्यूस होने चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं 1 2 3 4, तो ये खत्म हो गया, अब 4 अब वापस नहीं आओगे, इस तरह से वापस नहीं आओगे 4 के बाद, फिर इस कार्बन एटम, मतलब एक टर्न में आप टर्न हो गए, अब ऊपर की तरफ जितने हैं या इस तरफ है या इस तरफ है, मतलब ऐसे करके ये ऐसे 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 इस तरह से जैसे मर्जी हो सकती है, लेकिन ये है कि एक बार जिस कार्बन एटम के आप ऊपर मूव कर गए उससे वापस नहीं आना, अब उसको दोबारा काउंटिंग नहीं होनी चाहिए जो आपने ऑलरेडी काउंट कर लिए कार्बन एटम्स। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल। तो इस केस में जैसे आप देख रहे हो कि हम 3 डिफरेंट वे से इसको मतलब पेरेंट चेन कंसीडर कर सकते हैं लॉन्गेस्ट चेन, कैसे 1 2 3 4, एक वे ये हो गया, या फिर यहां से स्टार्ट कर लिया 1 2 3 4 5, 2 हो गए, और तीसरा अगर इसको साइड पे रहने दे, इसको मान ले कि ये आपकी ब्रांच चेन है स्टेट 1 2 3 4 5 6, तो लॉन्गेस्ट चेन कौन सी बन रही है, स्ट्रेट चेन बन रही है जिसमें 6 कार्बन एटम आ रहे हैं। अगर हम इस कार्बन एटम को जो ब्रांचिंग प्रेजेंट, अगर इसको लेकर कंटीन्यूअस चेन कंसीडर करते हैं
तो एक साइड का अगर लेफ्ट साइड देखें तो सिर्फ 1, 2, 3, 4 कार्बन एटम बन रहे हैं, अगर राइट साइड देखें 1, 2, 3, 4, 5 बन रहे हैं, लेकिन जब हम स्टेट काउंट करते हैं तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 बन रहे हैं। तो सिलेक्शन कौन सी होगी, पेरेंट चेन कौन सी आएगी, लॉन्गेस्ट दिस वन, 6 कार्बन एटम वाली चेन, ये है लॉन्गेस्ट चेन रूल। ठीक है जी, अब इसी तरह से एक और मैं एग्जांपल लेता हूं, जैसे ये तो चलो सिंपल सा था क्योंकि एक ही कार्बन एटम था साइड चेन के ऊपर प्रेजेंट। अब है आपके पास जैसे ये कार्बन एटम है CH3, CH, CH3, CH2, CH3, CH2, CH3, इधर भी है CH2, CH3 और नीचे 3 कार्बन एटम्स हैं। ये अब यहां पे देखो आप, अब डिफरेंट पॉसिबिलिटीज कौन कौन सी है लॉन्गेस्ट चेन कंसीडर करने की, पॉसिबिलिटीज देखनी है पहले, नंबर ऑफ कार्बन एटम साइड बाय साइड लिखते रहने हर एक पॉसिबिलिटी की। पहली पॉसिबिलिटी है 1, 2, 3, 4, 5 स्ट्रेट चेन कंसीडर कर ले, 5 कार्बन एटम्स आ रहे हैं स्ट्रेट चेन में। ठीक है, अब ये नहीं है कि आप यहां से काउंट कर लो 1, 2, 3, 4, 5 फिर वापस आ जाओ फिर इसको काउंट कर ले, नो, एक बार जिस कार्बन एटम को आपने क्रॉस कर लिया उसकी काउंटिंग दोबारा से नहीं होगी, फिर कंटिन्यूटी रखनी है, आगे की तरफ ही जाना है, पीछे की तरफ वापस नहीं आना। हाँ, आगे जाके ऊपर या नीचे की तरफ बेंड हो सकते हो जरूर। ठीक है जी, तो यहां पे स्ट्रेट चेन में आ रहे हैं 5 कार्बन एटम्स। ठीक है, अब सेकंड पॉसिबिलिटी ले लेते हैं, इसको कंसिडर कर लेते हैं, ये वाली दिस वन, तो 1, 2, 3, 4 यहां पे 4 आ रहे हैं स्ट्रेट में, 5 आ रहे हैं। ठीक है, अब इसको भी लेकर चल पड़ते हैं, ये वाली जो है यू शेप दिस वन, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इसके 6 बन रहे हैं। ठीक है, 3 पॉसिबिलिटीज होगी, 1, 2, 3 अब एक पॉसिबिलिटी और है, वो क्या, यहां से शुरू होके ये वाली 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये भी 6 बन रहे हैं। ठीक है जी, 4 पॉसिबिलिटीज होगी, एक स्ट्रेट, एक इस चेन को कंसीडर किया 1, 2, 3, 4 एक इस चेन को कंसीडर किया 6 कार्बन एटम्स, फिर इस चेन को कंसीडर किया। अब एक चॉइस और बचती है जहां पे हम ये वाली लेंगे, दिस वन इस तरह से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कार्बन एटम बन रहे हैं, कौन से, ये वाले देखिए दिस वन, ये आप यहां पे कितने 7 कार्बन एटम, मतलब ये मैक्सिमम बन रहे हैं, जितनी भी आपकी पॉसिबिलिटीज थी उन सब में से सबसे ज्यादा कार्बन एटम वाली चेन ये बन रही है आपके पास, इसमें बन रहे हैं आपके टोटल 7 कार्बन एटम। तो इसको पेरेंट चेन कंसीडर करके चलोगे, जो वर्ड रूट आएगा ना वो उस चेन से आता है जो हम सिलेक्ट करते हैं, जैसे यहाँ पे 7 कार्बन एटम की चेन सिलेक्ट हो गई तो ये आपका वर्ड रूट आ गया, सेप्ट के लिए कौन सा होता है 7 कार्बन एटम के लिए कौन सा होता है हेप्ट, HEPT हेप्ट। ठीक है, बाकी ये जो बचे इस साइड और उस साइड, ये क्या बन जाएंगे, साइड चेन सब्स्टिट्यूएंट बोलते हैं इनको, क्या बोलते हैं, साइड चेन सब्स्टिट्यूएंट, और कौन से होते हैं, अल्काइल ग्रुप्स, जैसे इधर एक है तो ये मिथाइल बन गया, मिथाइल और इधर 2 कार्बन एटम है तो ये बन गया इथाइल ग्रुप। सो इन दिस वे यू सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन, लॉन्गेस्ट पॉसिबल कॉन्टिन्यूस चेन इन द गिवन कंपाउंड, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहां से आपका ये क्लियर हो जाता है कि अगर आपकी पेरेंट चेन सही सिलेक्ट की है तो IUPAC नॉमेनक्लेचर सही होगी, अगर पेरेंट चेन ही गलत सिलेक्ट कर ली आपने तो वो गलत होगा उस केस में, ये ध्यान रखना है। तो लॉन्गेस्ट चेन रूल में हम लोगों ने लॉन्गेस्ट पॉसिबल कॉन्टिन्यूस चेन जो है वो सिलेक्ट करनी है गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड की। ठीक है जी, उसके बाद फिर फर्दर नॉमेनक्लेचर के लिए प्रोसीड करना है। ओके, दिस इज हाउ वी कैन सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन। अगर हम वे करें ना कि किस वे से हो सकती है तो वो जैसे मर्जी हो सकती है, स्ट्रेट चेन भी हो सकती है, ठीक है,
ऐसे भी हो सकती है जिग जैग, और नीचे को भी हो सकता है, जैसे आप यहाँ पे देख ही सकते हो इस तरह से 1 2 3 4 ऐसे नीचे को भी हो सकता है, जैसे मर्जी, ठीक है। इसी तरह से यू शेप में हो सकती है, ऐसे ऐसे हो सकती है, ठीक है, ऐसे हो सकती है, एल शेप में हो सकती है, मतलब स्ट्रेट चेन आपकी किसी भी पर्टिकुलर शेप में हो सकती है। वो आपने देखना है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स एक एंड से स्टार्ट करके दूसरे एंड तक पहुंचना है, और वो सिलेक्ट करना है जिसमें मैक्सिमम आए। पहला रूल है ये, वेरी फर्स्ट रूल, ठीक है जी। नाउ सेकंड रूल क्या कहता है, दिस इज द लॉन्गेस्ट चेन रूल। द सेकंड वन इज रूल फॉर लार्जेस्ट नंबर ऑफ साइड चेन्स। सेकंड इज रूल फॉर लार्जेस्ट नंबर ऑफ साइड चेन्स। इसके अकॉर्डिंगली क्या है कि मान लीजिए आपने दो पेर, मतलब आपके पास एक ऐसा कंपाउंड है, दो चेन्स बन रही है सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स की, आप जैसे मर्जी ऑब्टेन कर रहे हो, जिस तरह से मर्जी काउंट कर रहे हो, आपके सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आ रहे हैं, जो आपका सिलेक्शन क्राइटेरिया है, जिस हिसाब से आप लोग काउंटिंग कर रहे हो पेरेंट चेन को सिलेक्ट करने के लिए, लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करने के लिए। मान लो उसमें हर एक साइड से इक्वल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आ रहे हैं, तो उस केस में आपके पास जो पेरेंट चेन रहेगी वो कौन सी रहेगी, सिलेक्ट द वन विद द लार्जेस्ट नंबर ऑफ साइड चेन। आपने उस पेरेंट चेन को सिलेक्ट करना है, मतलब उस लॉन्गेस्ट पॉसिबिलिटी को सिलेक्ट करना है जिसमें साइड चेन्स ज्यादा हों, मतलब जिसमें ब्रांचिंग ज्यादा है, समझ रहे हो, जिसमें ब्रांचिंग ज्यादा, मतलब साइड चेन के ऊपर कार्बन एटम जिसमें ज्यादा ब्रांचिंग्स लगी हैं, उसको आपने एज अ पेरेंट चेन सिलेक्ट करना है। दिस इज द सेकंड रूल, दैट इज रूल फॉर लार्जेस्ट नंबर ऑफ साइड चेन्स। मींस इफ अ पर्टिकुलर चेन, ठीक है, कंसिस्ट सेम नंबर ऑफ एटम्स ऑन आइदर साइड्स, देन सिलेक्ट दैट पर्टिकुलर पेरेंट चेन विच कंसिस्ट या विच कंटेन्स लार्ज नंबर ऑफ साइड चेन्स। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये एक कंपाउंड है, दिस इज CH3, देन CH2, CH3, ये है आपके पास CH2, CH2, टू वास टाइम्स है, एक और है, ये है आपके पास, ठीक है। अब यहाँ पे पहले तो लॉन्गेस्ट चेन रूल वही फर्स्ट वाला अप्लाई करना है, लॉन्गेस्ट चेन रूल अप्लाई करिए, स्ट्रेट चेन देखेंगे 1 2 3 4 5 6 बन रहे हैं, ठीक। अब साइड पे देख लो, ये पहले वाला तो बन ही नहीं सकता, ये यू शेप भी नहीं, 1 2 3 4 5 बन रहे हैं। अब 1 2 3 4 ये भी 5 बन रहे हैं। अब ये वाले लेकर देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। अब ध्यान से देखो जरा इस चीज को, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर बेटा हम स्ट्रेट चेन कंसिडर करके चलते हैं तो भी नंबर ऑफ कार्बन आइटम 6 बन रहे हैं, ठीक। लेकिन अगर ये चीज कंसिडर करके चलते हैं, दिस वन, ये वाले, तो भी नंबर ऑफ कार्बन आइटम 6 बन रहे हैं, दोनों तरफ से 6 कार्बन आइटम्स आ रहे हैं, स्ट्रेट चेन में भी 6 कार्बन आइटम्स, और ये जो जिग जैग बन रही है इसमें भी 6 कार्बन आइटम्स। अब हमारी प्रायोरिटी क्या रहेगी, रूल क्या बोलता है, इसमें अकॉर्डिंग टू द रूल वी सिलेक्ट दैट पर्टिकुलर चेन विच कंटेन्स मैक्सिमम नंबर ऑफ साइड चेन्स, जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ साइड चेन्स जो है वो प्रेजेंट है, वो चेन हमने सिलेक्ट करनी है, ठीक है जी। तो इस केस में तो आपके पास आप देख ही रहे हो कि अगर हम स्ट्रेट चेन कंसीडर करके चलते हैं तो दो साइड चेन बन रही हैं, लेकिन अगर ये वाली कंसीडर करते हैं, दिस वन, ये वाली कंसीडर करते हैं तो सिर्फ एक साइड चेन बन रही है, वन साइडेड, क्योंकि ये पेरेंट चेन हो गई, तो ये तो साइड पे, तो इस कार्बन आइटम, ये पेरेंट चेन वाला कार्बन आइटम देखना है, हमने देखना है कि पेरेंट चेन के कार्बन आइटम्स के साथ, जो पेरेंट चेन में कार्बन आइटम्स हैं, उन कार्बन आइटम कितने कार्बन आइटम्स के साथ ब्रांचिंग प्रेजेंट है, जितने ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन आइटम के साथ ब्रांचिंग होगी वो पेरेंट चेन सिलेक्ट करेंगे इन दिस केस। तो यहाँ पे अगर ये वाली चेन सिलेक्ट करके चलते हैं, इफ वी सिलेक्ट दिस पर्टिकुलर चेन, देन वी सी दैट देयर इज ओनली वन साइड चेन सब्स्टिट्यूएंट, सिर्फ एक ही साइड चेन सब्स्टिट्यूएंट है, दिस वन। लेकिन अगर हम लोग स्ट्रेट चेन कंसिडर करके चलते हैं, दिस वन, ठीक है, देन वी हैव टू
ब्रांचेस ऑन डिफरेंट कार्बन एटम्स, दो साइड चेंज है, एक इस कार्बन एटम के साथ आप देख सकते हो, एक इस कार्बन एटम के साथ। तो सिलेक्शन जो होगी, जो करेक्ट आपकी सिलेक्शन होगी पेरेंट चेन की, वो होगी स्ट्रेट चेन अकॉर्डिंग टू दिस रूल, दैट इज रूल फॉर लार्जेस्ट नंबर ऑफ साइड चेन्स के लिए। हमने उस चेन को कंसिडर करना है एज अ पेरेंट चेन विच कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ साइड चेन्स, दिस इज द सेकेंड रूल। ओके बेटा, इस चीज को ध्यान से अच्छी तरह से नोट कर लेना और अंडरस्टैंड कर लेना। देन आता है थर्ड रूल। थर्ड रूल इज द नंबरिंग ऑफ द कार्बन एटम सिलेक्टिंग द पेरेंट चेन। जब आपने पेरेंट चेन सिलेक्ट कर ली, अब जाहिर सी बात है ब्रांच चेन एल्केन्स के लिए कर रहे हैं तो ब्रांचिंग प्रेजेंट रहेगी। अब हमने क्या करना होता है, आफ्टर सिलेक्टिंग द पेरेंट चेन, उस पर्टिकुलर चेन को नंबर देने होते हैं, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स काउंट करके उसकी नंबरिंग करनी होती है चेन की। अब नंबरिंग किस तरह से करनी है, वो है आपके पास लोएस्ट नंबर रूल। थर्ड है आपके पास लोएस्ट नंबर रूल। ये बोलता है कि आपकी पेरेंट चेन में सब्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट है, साइड चेन्स प्रेजेंट है, हमने चेन के उस एंड से नंबरिंग स्टार्ट करनी है जिस एंड से द कार्बन कंटेनिंग साइड चेन गेट्स द लोएस्ट पॉसिबल नंबर। मीन्स टू से वी हैव टू स्टार्ट द नंबरिंग ऑफ द पेरेंट चेन फ्रॉम दैट पर्टिकुलर एंड फ्रॉम विच द कार्बन एटम कंटेनिंग द साइड चेन गेट्स द लोएस्ट पॉसिबल नंबर। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ये मेरे पास एक कंपाउंड है CH3, CH2, CH3, CH2, CH2, CH3, ये ठीक है जी। अब जाहिर सी बात है जो आपके पास पेरेंट चेन है वो स्ट्रेट चेन है। सिंपलेस्ट एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, स्ट्रेट चेन आपके पास आ गई पेरेंट चेन। अब इस कार्बन एटम को स्पेसिफाई करना होता है, हम लोगों ने जो साइड चेन है ना उसको जब नेम करते हैं तो उसको स्पेसिफाई करना होता है कि किस कार्बन एटम के साथ पेरेंट चेन प्रेजेंट है, समझ रहे हो, मतलब साइड चेन किस कार्बन एटम के साथ प्रेजेंट है, मतलब ब्रांचिंग किस कार्बन एटम से स्टार्ट हो रही है। अब नंबरिंग यहां से तो स्टार्ट कर नहीं सकते हम, सेंटर में से थोड़ा नहीं करेंगे, आइदर ऑफ द एंड से करेंगे, या उस तरफ से राइट साइड से या लेफ्ट साइड से। अब रूल ये बोलता है कि आपने जो नंबरिंग करनी है वो उस टर्मिनल से स्टार्ट करनी है फ्रॉम विच द कार्बन कंटेनिंग द साइड चेन सब्स्टिट्यूएंट, ये सब्स्टिट्यूएंट कहलाते हैं जो साइड चेन में प्रेजेंट रहते हैं, द कार्बन एटम कंटेनिंग द साइड चेन सब्स्टिट्यूएंट मस्ट गेट द लोएस्ट पॉसिबल नंबर। देखिए अगर आप इधर से स्टार्ट करते हो तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो इस कार्बन एटम को नंबर मिल रहा है 3, क्लियर। लेकिन अगर दूसरी तरफ से करते हो 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो इस कार्बन एटम को नंबर मिल रहा है 4। तो अकॉर्डिंग टू रूल द करेक्ट नंबरिंग विल बी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। आपकी करेक्ट नंबरिंग कौन सी होगी, ये वाली होगी जो हम लेफ्ट टू राइट कर रहे हैं, दैट इज 1, 2, 3, ये लोएस्ट नंबर मिल रहा है साइड चेन कंटेनिंग पेरेंट चेन कार्बन एटम को। पेरेंट चेन में जिस कार्बन एटम के साथ साइड चेन सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है उस कार्बन एटम को लोएस्ट नंबर मिलेगा, तो वो आपकी नंबरिंग करेक्ट होगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो ये होगा आपके पास, दिस विल बी योर करेक्ट नंबरिंग ऑफ द पेरेंट चेन, क्लियर। इस तरह से हम लोग इसको लिखते हैं। सिमिलरली मान लीजिए इसी तरह से नेक्स्ट आपके पास है, इसको हम लोग पोजिशनल नंबर और लोकेंट भी बोल देते हैं, इसको लोकेंट भी बोलते हैं। लोकेंट, लोकेंट मीन्स टू से द पर्टिकुलर कार्बन प्रेजेंट इन द पेरेंट चेन विच कंटेन्स द साइड चेन या टू विच द साइड चेन इज प्रेजेंट, दिस इज नोन एज लोकेंट और पोजिशनल नंबर। ओके, इस तरह से आप लोग इसका लोएस्ट नंबर रूल ये बोलता है आपके पास। नेक्स्ट इसी में आ जाता है, इसी में आता है लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल।
ठीक है, दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसी के अंडर है, ये अलग रूल नहीं है, इसी का ही है, लोएस्ट सेट ऑफ, लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल, लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल क्या बोलता है कि अगर मान लो आपकी चेन में एक से ज्यादा सब्सिट्यूएंट प्रेजेंट है, एक से ज्यादा ब्रांचेस प्रेजेंट है, जैसे इसमें किया ना रूल फॉर लार्जेस्ट नंबर ऑफ साइड चेन्स, हम अपने पेरेंट चेन कौन सी सिलेक्ट करनी होती है जिसमें ज्यादा नंबर ऑफ ब्रांच चेन प्रेजेंट है, अगर टू चेन्स हैविंग सेम नंबर ऑफ कार्बन आइटम बन रही है तो उसमें से पेरेंट चेन वो होगी जिसमें लार्जेस्ट नंबर ऑफ साइड चेन्स रहेंगी। तो जाहिर सी बात है जब नंबरिंग करेंगे फिर उसके लिए भी ये रूल अप्लाई होना चाहिए, वहां पे भी लोएस्ट, तो हम लेते हैं लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल। ये बोलता है कि इन केस व्हेन मोर देन वन सब्स्टिट्यूएंट इज प्रेजेंट, व्हेन मोर देन वन सब्स्टिट्यूएंट इज प्रेजेंट, इन दैट पर्टिकुलर केस द सिलेक्शन ऑफ द नंबर्ड चेन मस्ट बी टेक्स प्लेस इन सच अ मैनर दैट द चेन विद लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट विल बी प्रेफर्ड एज पेरेंट चेन, जिसमें लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट बन रहा है, जैसे मान लो एक केस में बन रहा है 3-4, ठीक है, एक पर्टिकुलर केस में आपने नंबरिंग की, एक थर्ड कार्बन आइटम के साथ है सब्सिट्यूएंट प्रेजेंट है, एक फोर्थ कार्बन आइटम के साथ प्रेजेंट है, एक तरफ से नंबरिंग करने के ऊपर, लेकिन दूसरी तरफ से अगर नंबरिंग करते हैं तो बन रहा है 2-3, ठीक है, तो 2-3 वाले को प्रेफर करोगे ना कि 3-4 वाले को, लोएस्ट सेट लेना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपके पास ये आपका चेन कंपाउंड है, ये जो अभी हमने इसमें भी डिस्कस किया था इसी चीज को, दिस इज CH3, CH, CH2, CH3, CH, देन साइड चेन नीचे को थी CH2, CH2, CH3, देन आगे थे आपके पास थ्री कार्बन आइटम थी यहाँ पे CH2, CH3, ये ठीक है, ये कंपाउंड है आपके पास। नाउ अब यहाँ पे आपके पास लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन यही बन रही है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, जैसा कि हमने, ये सेम एग्जांपल है बेटा जो अभी हमने डिस्कस की थी। अब नंबरिंग देखिए, अब लोकेंट कौन कौन सी है, ये आपकी पेरेंट चेन है बेटू, दिस इज योर पेरेंट चेन, ये पेरेंट चेन है। अब लोकेंट कौन से है, एक ये कार्बन आइटम लोकेंट है दिस वन, और एक ये कार्बन आइटम लोकेंट है, ये दो कार्बन एटम है जिसके साथ इधर ये सब्सटेंट लगा हुआ है, उधर वो सब्सटेंट लगा हुआ है। अब नंबरिंग दो तरह से हो सकती है, या ऊपर से या नीचे से, बीच में से तो नंबरिंग स्टार्ट करने से ले। तो अगर ये ऊपर से करते हैं तो आपके पास बन रहा है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, मतलब ऊपर से अगर स्टार्ट करते हैं ऊपर वाले एंड से तो आपकी नंबरिंग बन रही है 3-4, ठीक है, सेट कौन सा बन रहा है, 3-4 सेट बन रहा है, जो सेट ऑफ लोकेंट है वो 3-4 बन रहा है। लेकिन अगर नीचे से करते हैं इधर से तो बन रहा है 1, 2, 3, 4, 5, तो बन रहा है 4-5। नीचे से अगर नंबरिंग बेटा स्टार्ट कर रहे हैं तो सेट कौन सा बन रहा है, 1, 2, 3, 4, 5, 4-5 लोकेंट सेट बन रहा है। अगर ऊपर से कर रहे हैं तो बन रहा है 3-4, तो करेक्ट कौन सा होगा, 3-4 वाला, मतलब आपकी जो करेक्ट नंबरिंग होगी दैट विल बी फ्रॉम दिस एंड, इस एंड वाली नंबरिंग जो ऊपर से हो रही है उसकी जो नंबरिंग होगी दैट विल बी करेक्ट, द अदर वन दैट इज 4-5 वाली अगर कोई लिखता है तो वो गलत हो जाएगी। दिस इज अ लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल, ये है आपके पास लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल, समझ रहे हो, ये आपने ध्यान रखना है। इसी चीज को हम फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस रूल भी बोल देते हैं, फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस रूल, फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस रूल भी बोला जाता है इसको, क्योंकि यहां पे वो सेट ऑफ लोकेंट प्रेफर किए जाते हैं विच हैज द लोएस्ट नंबर एट द फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस, फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस में लोएस्ट नंबर देखना। जैसे यहां पे फर्स्ट पॉइंट कौन सा था, 3, और उधर था 4, ये डिफरेंस आ गया ना 3 और 4 का, तो 3 वाले को सिलेक्ट करेंगे, 4 वाले को डी सिलेक्ट करेंगे। ओके डियर, इन दिस वे यू कैन एक्सप्लेन द लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल। ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, नेक्स्ट रूल है आपके पास नेम ऑफ द ब्रांच चेन, अब आ गई नेमिंग, अब नेम कैसे करना है, ये रूल हो गए सारे के सारे, नंबरिंग भी दे दी, पेरेंट चेन भी सिलेक्ट कर दिया, नाउ द नेम ऑफ द ब्रांच चेन अलकेन, फोर्थ रूल है नेम ऑफ द
ब्रांच्ड चेन एल्केन, ठीक है, दिस इज योर फोर्थ नेम ऑफ द ब्रांच्ड चेन एल्केन। अब नेमिंग करनी है, तो नेमिंग में जैसे फॉर एग्जांपल, अब तो सिंपल सा है, नेमिंग आ गई आपके आपके पास कंपाउंड आ गया CH3CH CH3CH2CH3, ठीक है जी, लॉन्गेस्ट चेन रूल ये अप्लाई कर दिया। लॉन्गेस्ट चेन रूल कितने कार्बन आइटम की चेन है, 1 2 3 4 कार्बन आइटम की चेन है, ठीक। इधर से करते हैं 1 2 3 4, ये भी सिलेक्ट कर सकते हो, स्ट्रेट चेन भी कंसिडर कर सकते हो क्योंकि दोनों तरफ एक एक ही ब्रांचिंग आ रही है, क्लियर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नाउ नेमिंग कैसे करनी है, तो इस केस में CH3 CH CH3 CH2 CH3, स्ट्रेट चेन कंसिडर कर ली, नंबरिंग फ्रॉम द जिस कार्बन एटम को लोएस्ट नंबर मिले यानी इस टर्मिनल से 1 2 3 4, ये आ गया। अब सबसे पहले प्रीफिक्स क्या लिखेंगे, यहां पे बोला था ना तीन पार्ट होते हैं, प्रीफिक्स वर्ड रूट सफिक्स, पहले आएगा प्रीफिक्स क्योंकि ब्रांचिंग है, प्रीफिक्स आ जाएगा। प्रीफिक्स कैसे लिखेंगे, 2 सेकंड कार्बन एटम के साथ मिथाइल ग्रुप लगा, साइड चेन सब्स्टिट्यूएंट कौन सा है, मिथाइल, तो लिखेंगे 2 मिथाइल। आगे पेरेंट चेन कितने कार्बन एटम की है, 4, 4 के लिए वर्ड रूट कौन सा होता है, ब्यूट, और सिंगल बॉन्डेड है मतलब एल्केन है, एन। दिस इज द यूपीएससी नॉमेनक्लेचर ऑफ दिस कंपाउंड, 2 मिथाइल ब्यूटेन। इसी तरह से आगे चलते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर नंबर ऑफ कार्बन आइटम इंक्रीज कर दिए, ठीक है, इधर ब्रांचिंग मिथाइल की जगह इथाइल होगी, तो उस तरह से आप लोग करोगे। मतलब सबसे पहले प्रीफिक्स कौन सा लगेगा, सब्स्टिट्यूएंट अलोंग विद द लोकेंट, किस कार्बन आइटम के साथ सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है और कौन सा सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है। जैसे यहाँ पे सेकंड कार्बन आइटम के साथ प्रेजेंट था 2, आगे कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है, मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, 2 मिथाइल, पेरेंट चेन ब्यूट, सिंगल बॉन्डेड है एन, इस तरह से, ठीक है जी। इसके बाद आता है फिफ्थ रूल, अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऑफ द साइड चेन, अगर एक से ज्यादा साइड चेन प्रेजेंट है तो, अगर एक से ज्यादा साइड चेन प्रेजेंट है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऑफ साइड चेन, अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऑफ साइड चेन, तो इस केस में क्या होगा, जैसे मान लीजिए आपके पास कंपाउंड है CH3CH CH3CH CH2CH3, देन CH2CH2CH3, आपके पास स्ट्रेट चेन आ गई, कंपाउंड पेरेंट चेन स्ट्रेट चेन आ गई, ठीक है जी। अब यहां पे आप देख सकते हो नंबरिंग इधर से स्टार्ट होगी क्योंकि उधर से तो 1 2 3 4th कार्बन आइटम आ रहा है और इधर से 1 2 3rd कार्बन आइटम आ रहा है, तो आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 कार्बन आइटम चेन आ गई आपके पास, इधर से 1 2 3 4 5 6 6 6 आ रहा है, तो ये वाले स्ट्रेट चेन लेंगे, ब्रांचिंग इसमें ज्यादा। अब 2 सब्स्टिट्यूएंट है तो इनका क्या करना है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर लेना है, तो कैसे लिखेंगे, ये एम है मिथाइल, ये ई है 2 कार्बन आइटम वाला इथाइल, तो नंबरिंग जो नेमिंग होगी वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखनी है। सबसे पहले क्या आएगा, 3 इथाइल, उसके बाद 2 मिथाइल, 3 इथाइल 2 मिथाइल हेक्स एन, ये आएगा नाम आपका, करेक्ट नेम ऑफ द स्टेटमेंट, 3 इथाइल 2 मिथाइल हेक्सेन, ये है आपके पास अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऑफ साइड चेन्स, ठीक है जी। और सेकंड आता है आपके पास, नेक्स्ट रूल है नंबरिंग ऑफ डिफरेंट अल्काइल ग्रुप्स एट इक्विवेलेंट पोजीशंस, अगर डिफरेंट अल्काइल ग्रुप्स है इक्विवेलेंट पोजीशंस के ऊपर, आइदर साइड के ऊपर, मतलब मान लो इथाइल ग्रुप है, ठीक है, और एक तरफ मिथाइल ग्रुप है, लेकिन दोनों तरफ से वो सेकंड सेकंड कार्बन आइटम के साथ प्रेजेंट है, मिथाइल ग्रुप भी सेकंड कार्बन आइटम के साथ प्रेजेंट है और दूसरी तरफ से देखेंगे तो इथाइल ग्रुप भी प्रेजेंट है सेकंड कार्बन आइटम के साथ है, तो उस केस में जो सिलेक्शन होगी, ठीक है जी, दैट विल बी जो स्मॉलर ग्रुप होगा, दैट इज द नंबरिंग ऑफ द पेरेंट चेन इज डन इन सच अ मैनर दैट द अल्काइल ग्रुप विच कम्स फर्स्ट इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर रिटन फर्स्ट इन नेम गेट्स द लोएस्ट नंबर,
मतलब अल्फाबेटिकली जो पहले आता है उसको पहला नंबर देना है, जो बाद में आता है उसको बाद में नंबर देना है, ठीक है जी। अल्फाबेटिकली जो पहले आएगा उस चीज को प्रेफर करना है। जैसे फॉर एग्जांपल ये आपके पास है मिथाइल एंड इथाइल वाला केस, तो मिथाइल एंड इथाइल के केस में इथाइल वाले को प्रेफर करके चलोगे आप लोग, ठीक है जी। इथाइल की प्रेफरेंस करेंगे हम लोग पहले। जैसे फॉर एग्जांपल रूल क्या है आपके पास, नंबरिंग ऑफ डिफरेंट अल्काइल ग्रुप्स एट इक्विवेलेंट पोजीशंस, नंबरिंग ऑफ डिफरेंट अल्काइल ग्रुप्स एट इक्विवेलेंट पोजीशंस, जैसे ये है आपके पास, दिस इज द केस CH3 CH2 CH3 यहां पे इथाइल ग्रुप प्रेजेंट है और यहां पे आपके पास आगे मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, ये। अब देखिए ध्यान से, इधर से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। थर्ड कार्बन एटम के साथ इथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, फोर्थ कार्बन एटम के साथ मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है। इधर से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, तो यहां पे ये 3 पोजीशन के ऊपर मिथाइल ग्रुप है और 5th पोजीशन के ऊपर इथाइल ग्रुप है। अब आपकी सिलेक्शन कौन सी होगी रूट के अकॉर्डिंगली, जो अल्फाबेटिकली पहले आता है वो पेरेंट चेन में, मतलब उसको प्रेफर करेंगे, मतलब वहां से नंबरिंग प्रेफर करेंगे, जो अल्फाबेटिकली पहले आएगा उसको लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट देना है हमने, मतलब लोएस्ट लोकेंट पोजीशन देनी है। तो ये वाला तो नाम क्या आ जाएगा, 3-ethyl-5-methyl-heptane। इन दिस वे यू कैन नेम अ पर्टिकुलर कंपाउंड हैविंग डिफरेंट अल्काइल ग्रुप्स, ठीक है, एट इक्विवेलेंट पोजीशंस फ्रॉम आइदर साइड्स। क्लियर बेटू, इन दिस वे यू कैन एक्सप्लेन। इन केस अगर सेम अल्काइल ग्रुप लगे हैं डिफरेंट पोजीशंस के ऊपर, इफ सेम अल्काइल ग्रुप्स, अगर सेम अल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं डिफरेंट पोजीशंस के ऊपर, देन वर्ड डाई ट्राई एंड रेपिटेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर लोकेंट सेम नंबर ऑफ टाइम्स एट दोज ऑफ अल्काइल ग्रुप्स आर प्रेजेंट। जितनी बार अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट हो गए उतनी बार वो लोकेंट भी हमने रिपीट करना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसी की बात कर लेता हूं इसी में, ठीक है, या एक एग्जांपल और ले लेते हैं। जैसे दिस इज द केस आपके पास है CH3 CH, यहां पे एक CH3 ग्रुप लग गया, यहां पे एक CH3 ग्रुप लग गया CH2, ठीक है जी। यहां पे भी मान लो एक CH3 ग्रुप लगा हुआ है, ये आपके पास 3 डिफरेंट पोजीशंस के ऊपर 3 सेम ग्रुप लगे हुए हैं, पेरेंट चेन यही रहेगी आपकी स्ट्रेट चेन। नाउ नंबरिंग इधर से कर लो या इधर से कर लो, सेम नंबरिंग आ रही है 1 2 3 4 5। अब देखो 2 3 4 2 3 4, 3 कार्बन एटम के साथ सेम मिथाइल ग्रुप लगा है, तो कैसे लिखेंगे 2 3 4, 3 कार्बन एटम है, 3 के लिए ट्राई मिथाइल, कितने पेंटेन, ये आएगा, ठीक है जी। 2 3 4 ट्राई मिथाइल पेंटेन, अगर 2 है तो डाई, अगर 3 है तो ट्राई, अगर 4 है तो टेट्रा, और उतने नंबर वो रिपीट करने। जैसे ये 2 3 4, मान लीजिए 2 2 2 के ऊपर 2 होते तो लिखना था 2 2, फिर 2 बार लिखना था 2 2 डाई मिथाइल आ जाना था, अगर यही होता 2। अगर मान लो यहां पे भी मैं ये लगा दूं, यहां पे ये लगा दूं एक, तो ये बन जाएगा 2 2 3 4 टेट्रा मिथाइल, ये 2 2 3 2 2 3 4 टेट्रा मिथाइल पेंटे। इस तरह से बेटा हम लोग ये नॉमनक्लेचर जो है वो करते हैं, किसकी, एल्केन्स की, ठीक है बेटू। इसके बाद नंबरिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट रहता है एक, ठीक, तो इसके बारे में हम लोग अपने
नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे नंबरिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट कैसे करते हैं। तो फिलहाल आप लोगों ने ये सिंपल वालों की सभी की प्रैक्टिस अच्छी तरह से बेटा ये कर लेनी है। अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम आ गई तो पूछ लेना है, ठीक है बेटू। ओके देन, टेक केयर।